नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। कानपुर, सेक्स रैकेट के खिलाफ एसपी पूर्वी ने की बड़ी कार्यवाही। कानपुर के घंटाघर व रेल बाजार थाना क्षेत्र के बने होटलों में चल रहा था जिस्म फरोशी का गोरख धंधा। पुलिस ने रेल बाजार के यश पैलेस में की छापेमारी। 13 कपलर्स होटल के अंदर से किया बरामद। होटल मालिक और मैनेजर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और कपलर्स को महामारी अधिनियम के तहत चालान किया गया। वाजिद खान की रिपोर्ट। आप लोगों ने रेप करी है, क्या मामला था पूरा, कितने लोगों को पकड़ा है? इसमें पुलिस के पास सूचना आई कि यहाँ पे झकरगट्टी में जो यश पैलेस होटल है, इसमें कई ऐसे कपल आ रहे हैं जो बिना आईडी के होटल में रुक रहे हैं और होटल के जो मालिक हैं वो बिना रजिस्टर में इंदराज किए हुए ऐसे कपल्स को अपने होटल में रुका रहे हैं। इसी सूचना पर थाना रेल बाजार की पुलिस होटल पे पहुंची, वहां पे उनके रजिस्टर्स को चेक किया, रजिस्टर्स में कोई इंदराज नहीं था। उनके पास एक कच्चा पेपर पे उन्होंने कुछ 13 कपल्स के नाम लिख रखे थे, उसमें उनके रूम नंबर और उनके कितना अमाउंट है वो मेंशन था, लेकिन कोई भी उसका इंदराज उनके पक्के रजिस्टर में नहीं था। उनकी आईडी भी मांगी गई, कोई आईडी वो प्रदान नहीं कर पाए। कोई भी आईडी की कॉपी ना तो अपने पास रखे थे ना ओरिजिनल रखे थे। अब इस मामले में जो होटल के मालिक हैं, मैनेजर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उनको जेल भी भेजा जाएगा। दूसरा, जो कपल्स हैं उनको महामारी अधिनियम के अंतर्गत एवं 269 धारा IPC के तहत चालान किया जा रहा है। आगे और भी इसमें सूचनाएं हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे सूचनाएं आएगी। सर, क्या इन होटलों में क्या नाबालिग जोड़ों को भी एंट्री दी जाती थी, या जो पकड़े गए इसमें कोई नाबालिग जोड़े वगैरह पकड़े गए? जी, हमने सारे इनके आईडी कार्ड्स चेक किए हैं, कोई भी ऐसा नाबालिग हमें नहीं मिला। जो 13 कपल हमने पकड़े हैं उसमें से कोई भी नाबालिग नहीं। सर, अमूमन बहुत से ऐसे होटल्स हैं रेल बाजार में जो पुलिस की साठगांठ से ऐसे कपल्स को एंट्री देते हैं, आए दिन छापेमारी होती है, उसके बाद जो है कई पुलिस कर्मियों के भी नाम पहले सामने भी आए हैं। ऐसा स्पेसिफिक अगर कोई एलिगेशन आता है तो उसकी बिल्कुल जांच की जाएगी। अगर इन जनरल कोई ऐसा एलिगेशन है, क्योंकि इसमें तो आज आप देख रहे हैं खुद पुलिस ही पकड़ के ला रही है, अगर कोई फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन आता है किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ, तो उसके खिलाफ फिर जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू।